इज कि हमारा नेक्स्ट कंपटीशन फर्स्ट कंपटीशन आने वाला है जो कि है क्या 2 वीक्स या 4 वीक्स। हेलो दोस्तों, आज मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से कई इंटरेस्टिंग अपडेट्स और ये सभी अपडेट्स मेंस फिजिक के बॉडी बिल्डर्स की होने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं मीमो युवराज भाई की अपडेट से। तो गाइस आप सभी जानते हैं कि ये कॉम्पीट करने वाले हैं दुबई प्रो शो में। तो इन्होंने अपनी 4 डेज आउट वाली फिजिक अपडेट को हम सभी के साथ में शेयर किया है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि ये डिप्लीशन मोड में आ चुके हैं। इस टाइम इनकी ओवरऑल बॉडी बहुत ही हार्ड है और आप इनके ऑब्लिक्स को देख सकते हो, बिल्कुल शार्प है। चेस्ट एंड शोल्डर में फुलनेस और राउंडनेस बहुत ही इंप्रेसिव है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इनके शोल्डर बिल्कुल पत्थर की तरह निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मीमो भाई की अपडेट्स को देखकर लगता है कि अब की बार दुबई प्रो शो के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग दिखाएंगे। इनके बारे में आपको क्या लगता है, क्या ये टॉप 3 या टॉप 5 तक पहुंच पाएंगे, कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद में हम बात कर लेते हैं अभिषेक यादव भाई की अपडेट के बारे में। तो गाइस काफी टाइम के बाद में मैं आपके लिए इनकी अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें अभिषेक यादव भाई पहले से बहुत ही बिगर और ह्यूज नजर आ रहे हैं। इनका ये ऑफ सीजन बहुत ही बढ़िया जा रहा है, क्योंकि इनके कोच ने भी इनसे बोला है कि अब की बार तो तुम्हारी मसल्स बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रही हैं। और हाँ दोस्तों, अब इनका करंट वेट पहुंच चुका है 92 kg। तो इस वीडियो में आपने इनकी लेटेस्ट अपडेट तो देख ली, इसके बाद में बात कर लेते हैं अगले कॉम्पिटिशन के बारे में। तो दोस्तों, पहले वाले वीडियो में इन्होंने बताया था कि ये कॉम्पीट करने वाले हैं दुबई प्रो शो में, पर इनके कोच ने दुबई प्रो में कॉम्पीट करने से मना कर दिया है, क्योंकि इस टाइम इनकी बॉडी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रही है और इसे रुकवाना नहीं चाहते। तो फाइनली अब इन्होंने यह डिसाइड किया कि ये 4 वीक के बाद में कॉम्पीट करेंगे किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, और वह शो कौन सा होगा इसकी अपडेट भी हमको जल्दी मिल जाएगी। इनके बाद में हम बात करेंगे हमारे एक और एमेचर इंडियन बॉडी बिल्डर की, जो कॉम्पीट करने वाले हैं दुबई प्रो क्वालिफायर शो में। तो इन्होंने अपने इंस्टा पर यह फोटो शेयर किया है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि इनकी बॉडी में बहुत ही बढ़िया फुलनेस है और जो वीटे पर निकल कर आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल टाइनी वेस्ट, वाइड शोल्डर, जिनमें फुलनेस और राउंडनेस ऑन पॉइंट है। इनकी चेस्ट भी यहाँ पर यूज है, एब्स बार की तरह पॉपअप हो रहे हैं, और बात करें बैक की तो ये पहले से बहुत ही इम्प्रूव्ड है और इनकी बैक में हम थिकनेस को क्लियर देख सकते हैं। और हाँ भाई, इनकी बॉडी में मुझे एक खास बात लगी, वो इनके शोल्डर। आपने फ्रंट से देख लो या फिर बैक पोज में, दोनों साइड से ही बहुत ही तगड़े दिखते हैं। तो गाइस इनकी अपडेट को देखकर आपको क्या लगता है, क्या दुबई प्रो के स्टेज पर गोल्ड के साथ साथ प्रो कार्ड अपने नाम कर पाएंगे, अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे एक और इंडियन बॉडी बिल्डर के बारे में। तो गाइस जिनका नाम है कृष्णा चौहान। तो दोस्तों, अब की बार तो हमारे इंडिया से भी कई एथलीट्स कॉम्पीट करने वाले हैं दुबई प्रो क्वालिफाइड शो में, और उनमें कृष्णा चौहान भाई भी हैं। तो दोस्तों, ये इनकी लेटेस्ट कंडीशनिंग, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सिद्धांत जायसवाल सर के साथ पोजिंग कर रहे हैं और इस टाइम इनकी पूरी बॉडी डिप्लीटेड कंडीशनिंग में है। तो जब ये दुबई प्रो के स्टेज पर जाने से पहले कार्ब लोडिंग करेंगे तो भाई बहुत ही खतरनाक फुलनेस के साथ कृष्णा चौहान भाई हमें दिखेंगे। और बात करें इनकी इम्प्रूवमेंट्स की, तो गाइस अब की बार कृष्णा भाई ने अपनी बॉडी को बहुत ही बढ़िया पुश किया है और इम्प्रूवमेंट्स भी हमें साफ नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कृष्णा चौहान भाई की लेटेस्ट अपडेट। इन्हें देखकर आपको क्या लगता है, क्या दुबई प्रो शो के स्टेज पर सभी को डोमिनेट करके प्रो कार्ड जीत पाएंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ भाई, इसके बाद में मैं हमारे सभी इंडियन बॉडी बिल्डर्स के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा जो कॉम्पीट करेंगे दुबई प्रो में। इनके बाद में हम बात करेंगे मेंस फिजिक डिवीजन के नए रूल्स के बारे में। तो दोस्तों, NPCIABB के वाइस प्रेसिडेंट टाइलर मैनियन ने मेंस फिजिक डिवीजन के नए हाइट्स और वेट के रूल अनाउंस कर दिए। और इन सभी रूल्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सभी रूल्स 2023 के मिस्टर ओलंपिया के बाद में लागू होंगे। तो दोस्तों, इस साल के ओलंपिया के बाद में जितने भी प्रो शोज होने वाले, उनमें मेंस फिजिक के सभी बॉडी बिल्डर्स की शॉर्ट्स टाइट और घुटने से 2 इंच ऊपर होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आपकी बॉडी कितनी बैलेंस है, लेग्स भी आपके इम्प्रूव्ड है या नहीं, यानी आप अपने लेग्स को छोटे करके बैठे और आपकी अपर बॉडी डोमिनेट कर रही है लेग्स को। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी से बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस बनना चाहिए और जजेस को लगना चाहिए कि आपकी ओवरऑल बॉडी बैलेंस है। इसका उदाहरण आप इस फोटो में क्लियर देख पा रहे हो कि जो एरन बैंक्स ने शॉर्ट पहनी आपसे, ऐसी शॉर्ट सभी मेंस फिजिक के बॉडी बिल्डर्स पहनेंगे या फिर इससे टाइट और छोटी भी हो सकती है। और जो ब्रेंडन ने शॉर्ट पहनी, ऐसी शॉर्ट्स आपको बहुत ही कम आप देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आप ये भी देख सकते हो कितनी हाइट पर कितना वेट चाहिए। इनके बाद हम बात कर लेते हैं मेंस फिजिक डिवीजन के करंट ओलंपिया एरन बैंक्स के बारे में। तो गाइस, अब ये कॉम्पीट करने वाले हैं लीगन स्पोर्ट फेस्टिवल में, जिससे 3 वीक्स आउट हैं। और ये इनकी करंट फिजिक अपडेट, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एरन बैंक्स अब पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं स्टेज पर जाने के लिए। अब इनकी बॉडी के बारे में क्या ही कहें, जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि दोस्तों अब तो ये मेंस फिजिक का गेम बन चुके हैं। और इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि एरन बैंक्स लीगन स्पोर्ट फेस्टिवल को नहीं जीतेंगे, बल्कि इनकी इस अपडेट को देखकर तो यह भी कह सकते हैं अब की बार ओलंपिया के विनर यही हैं। तो दोस्तों, आप एरन बैंक्स के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू। Drop it.